ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। रामानुसार फिर से मिलन हुआ, बाबा ने मिलन करवाया, ऐसे कह सकते हैं। तो आज की इस भट्टी का जैसे टॉपिक है स्वयं को और बाप को जानने का तप। सारा खेल खुद में है, स्वयं में ही सब कुछ है। अगर स्वयं को जान जाए तो खेल पूरा हो जाता है। इतनी जो हम मेहनत कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए, खुश रहने के लिए। लेकिन खुशी कहाँ है? खुशी किसको चाहिए? यह जब तक नहीं समझ में आता तब तक हम जो चाहिए वो प्राप्त नहीं कर सकते। एक क्लास में छोटी सी बात कही थी कि आपको जो चीज चाहिए पहले अपने आप से पूछिए कि आपको क्यों चाहिए। जब तक आपके पास क्यों का जवाब नहीं है तब तक वह चीज आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको मंजिल स्पष्ट नहीं है तो प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर सुख चाहिए तो क्यों चाहिए? अगर श्रेष्ठ बनना है, अच्छे गुण धारण करने हैं, गुणों और शक्तियों की अनुभूति करनी है तो पहले अपने से पूछिए क्यों करनी है। जब आपको क्यों का जवाब मिल जाएगा गुण अपने आप धारण हो जाएगा। धारण करना मेहनत की बात है और अपने आप धारण होना सहजता की बात है। तो जिस प्रश्न के पीछे जो चीज आपको चाहिए उसके पीछे आप क्यों लगाते हैं तो वह चीज आपको मिल जाती है। अगर किसी के घर में धन की कमी है, परिवार अशांत रहता है और आप चाहते हो कि आपके घर में धन आए, परिवार सुखी हो जाए, तो पहले अपने आप से पूछिए कि धन क्यों आए। अगर क्यों का जवाब है आपके पास धन मिलेगा, अगर क्यों का जवाब नहीं है तो मुश्किल है। क्योंकि स्पष्ट होना चाहिए, आपको जो चीज चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि किसको चाहिए सुख, किसको चाहिए? अगर मुझे चाहिए तो मैं कौन हूं? इस मैं के जवाब में ही सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। जब तक मैं को धारण नहीं करते तब तक कुछ भी हो जाए परिवर्तन नहीं हो सकता। आज भी हमारा मैं कौन सा चल रहा है? देह अभिमान का। क्योंकि जिसका आत्म अभिमानी का मैं चलता है, वास्तविक रूप से हम बहुतों को कहते हैं कि हमें क्लास करने की भी जरूरत नहीं, किसी को किसी का भी क्लास सुनने की भी जरूरत नहीं। क्यों? अगर उसे मैं पता चला मैं कौन हूं तो सारा ज्ञान उसके अंदर है। मैं कभी गलत नहीं होता, आत्म वाला और शरीर वाला मैं हमेशा गलत होता है। अगर आज भी हमें आवश्यकता लग रही है किसी को सुनने की, माना हमने अपने आप को नहीं जाना है। जो अपने आप को जानता है, समझता है, उसे किसी को सुनने की जरूरत नहीं, किसी को भी नहीं। क्योंकि स्वयं में हर आत्मा परिपूर्ण है। किसी भी आत्मा को किसी आत्मा की आवश्यकता नहीं है, इतना परिपूर्ण अपने पिता ने बनाया है। बल्कि आप इतने परिपूर्ण हैं कि दूसरों को आप उपदेश कर सकते हैं, दूसरों को ज्ञान सुना सकते हैं। बस आपको आप में आना है। आपका आप ही खोया हुआ है इसलिए सब कुछ खोया हुआ है। जब आप अपने आप को पाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। आज हम सारी चीजों को पा रहे हैं
लेकिन वह संतुष्टि नहीं है। अमृत वेला भी अच्छे से कर रहे हैं, मुरली भी अच्छे से सुन रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, 1 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं, नुमा शाम कर रहे हैं, रात का पोता मेल सुना रहे हैं, बाबा की याद में सो रहे हैं, फिर भी खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको खुशी चाहिए वही ठिकाने पर नहीं है। जब तक वह ठिकाने पर नहीं आता तब तक जितना करेंगे टेम्पररी होगा, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएगा। 2 दिन पहले एक सिस्टर का कॉल आया था, वह कहते थे कि अभी तक मैं रोज 108 बार सुमान लिखती थी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन जब तक सुमान लिखे तब तक अनुभूति, सुमान लिखना जिस दिन बंद हुआ अनुभूति खत्म हो गई। कारण, सुमान जिसे लिखना था उसने नहीं लिखा, इस मैंने लिखा। जिसे लिखना है वह जब लिखना शुरू करेगा तो सुमान पूरा हो जाएगा। सुमान कब पूरा हो जाता है? जब अभिमान खत्म हो जाता है। जब यह अभिमान खत्म हो जाता है तब स्वमान पूरा हो जाता है, और जब स्वमान पूरा हो जाता है तो परिपूर्णता, संपन्नता अपने आप आ जाती है। तो मेहनत कीजिए अपने आप को अपने आप में लाने की। बाकी मेहनत कितनी करेंगे थकावट देगी, लेकिन एक मेहनत जो है खुद की वह कभी थकावट नहीं देगी। आज बहुत से आत्माओं को लगता होगा, बहुत से, हमने चेक करके देखा, आपको नहीं लगता होगा लेकिन बहुत से आत्माओं को, कि थोड़ा मुरली का टाइम शिफ्ट होता तो अच्छा हो जाता, मॉर्निंग का अमृत वेला थोड़ी शिफ्ट होती तो अच्छा हो जाता। माना मेहनत लग रही है, दिल से नहीं हो रहा है, और जो चीज दिल से नहीं होती वह सफलता नहीं देती। सफलता छोड़ दीजिए, संतुष्टि नहीं देती, क्योंकि आप मेहनत ही करते जाते हैं और मेहनत करने में मजा नहीं आता। जिस चीज में रस है, जो करने में आनंद आता है, वह जब करते हैं तो कितना घंटा भी करें दुखी कष्टी नहीं होते, बल्कि और उमंग उत्साह बढ़ता है। तो आप बस अपने आप को स्वयं में लाइए। खुद खो गए हैं, खुद जो खो गए हैं वो दुनिया में नहीं मिलेंगे, खुद के पास ही है। आज हम बाहर ढूंढ रहे हैं लेकिन बाहर हम अपने आप को नहीं प्राप्त कर सकते, अंदर उतरना पड़ेगा। हम अंदर हैं, अंदर जब उतरेंगे अपने आप को समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज सारे गुण और शक्तियां धारण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, किसी से अच्छा बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह मेहनत से छूट जाएंगे जब हम अपने आप में आ जाएंगे। आज सूक्ष्मता से चेक कीजिए अपने आप को अभी, कि आपका मैं कौन सा है। चेक कीजिए अपने आप को, मैं कौन सा है। अगर मैं क्लियर है आत्मा वाला तो आप परिपूर्ण हो जाएंगे। चेक कीजिए, मैं रिश्ते वाला है, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, बाप हूँ, बच्चा हूँ। चेक कीजिए, मैं स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, जो भी हूँ। चेक कीजिए, लौकिक में, अलौकिक में भी अगर मैं अटका हुआ है, अलौकिक में। देखिए, बाबा ने तो कहा है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, लेकिन हम इस बात के लिए कहेंगे, ये टाइटल बहुत बढ़िया है लेकिन यह भी एक सूक्ष्म मैं है, इससे भी परे जाना है, इससे भी परे जाना है। ब्रह्मा कुमार और कुमारी शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए ब्रह्मा कुमार और कुमारी ये टाइटल नहीं है, इससे भी परे जाना है। जब हम इससे परे जाएंगे तो सच में हम हमारे मैं में आएंगे। किसी दिन सूक्ष्मता से चेकिंग कीजिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं।
जब इस मैं के संपूर्ण उत्तर आपको मिल जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं। कहने के लिए हम कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, लेकिन उसकी अनुभूति कहां तक की है? आत्मा ऐसी जिसको कोई टाइटल नहीं, एक भी टाइटल नहीं, कंप्लीट निराकारी। अगर कोई भी टाइटल हमारे पास बचता है तो उस टाइटल को डाइजेस्ट करने की ताकत हमारे अंदर नहीं, तुरंत अहंकार आ जाता है उस टाइटल को लेके। अगर ब्रह्मा कुमार और कुमारी, यह भी टाइटल हम अशुद्धता से पकड़ लेते हैं। शुद्धता से पकड़ेंगे तो अहंकार नहीं आएगा, अशुद्धता से तो आप अनुभव करेंगे कि दूसरों को हम शूद्र समझते हैं, मना अहंकार दिलाया। टाइटल श्रेष्ठ है लेकिन उसका इस्तेमाल हमने गलत किया। तो हमारे ऊपर है सब कुछ, किस चीज का इस्तेमाल हम क्या करते हैं हमारे ऊपर है। सुन रहे हैं हम, सुनाने वाला सुना रहा है, लेकिन किस धारणा से हम सुन रहे हैं उसी धारणा से हम बनेंगे। हमारे ऊपर है क्या करना है। किचन में चाकू है, सब्जी काटनी है या किसी को काटना है, रस्सी है, रस्सी से किसी वेल से पानी निकालना है या उसी रस्सी से फांसी लगानी है, अपने हाथ में है। प्रकृति की हर चीज न्यूट्रल है। हम जो देख रहे हैं हमारी दृष्टि से देख रहे हैं। जब दृष्टि बदल जाएगी सृष्टि अपने आप बदल जाएगी, तो मैं को बदलना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप एकांत में होते हैं, चेक कीजिए मेरा मैं कौन सा है, मेरा मैं कौन सा है। इस मैं को अगर किसी भी प्रकार का लेप छेप लगा हुआ है तो हम बंधे हुए हैं। मैं देही अभिमानी जो मैं है, आत्म अभिमानी वाला, उसको कोई बंधन नहीं है। अगर आज भी आपको किसी प्रकार का बंधन महसूस हो रहा है तो चेक कीजिए कहीं आप अटके हुए हैं, कोई लेप छेप अपने को लगाया हुआ है। जिसने लेप छेप निकाल दिया वही ब्रह्मा बाप समान बन गया। कोई भी अगर लेप छेप है तो फिर ब्रह्मा बाप समान बनना मुश्किल है, परिपूर्ण बनना मुश्किल है। दिन में ऐसा कोई समय हो, एक घंटा, आधा घंटा, पांच मिनट, जिसमें कोई भी लेप छेप हमें लगा हुआ ना हो किसी भी प्रकार का। आज बहुत सी आत्माएं कहती हैं कि समान जब हम उच्चारण करते हैं कुछ समय के बाद जैसे थे वैसे हो जाते हैं, मतलब वह अनुभूति खत्म हो जाती है। जब हम बोलते हैं समान को कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, अंदर से आवाज आती है कहा तुम पवित्र हो, तुम्हारे मन में तो कैसे संकल्प चलते हैं, अंदर से आवाज उठती है। माना मन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। हम सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं, खुद को समझाने के लिए। मन मान नहीं रहा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बुद्धि समझ नहीं रही है, बस हम समझाने के लिए बोलते हैं। समझाने के लिए नहीं कीजिए, समझ लीजिए पूरा। तो छोटी सी एक टेक्निक बताते हैं, ट्राई करके देखिए। अगर आप अपने आप को बोलते हैं मैं परम पवित्र आत्मा नहीं हूं, अंदर से क्या आवाज निकलेगा? मैं हूं। मन को जैसे है ना खेलने की आदत पड़ी है, मन एक खेलता है, 2500 साल से झूठी बातों में खेलता रहा। इसलिए जब सच उसको समझा रहे हैं कि मैं पवित्र हूं तो उसको भी वह झूठ समझ रहा है। लेकिन जब हम उसको झूठ समझाते हैं तो उसे वो सच समझ जाता है। कैसे भी करके मन को राजी करना है, मैं पवित्र हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो अगर हम मन को उल्टा बोल देते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा नहीं हूं, तो मन अंदर से बोलता है कि नहीं मैं हूं। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं
अनुभव करके, ये प्रैक्टिकली हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो जो आत्माएं बोलती थी कि मैं हूँ बोलने से अच्छा नहीं हूँ बोल रही हूँ, तो अंदर से समान जागृत हो रहा है कि मैं हूँ। तो अनुभव करके देखिए कैसे होता है। यह हमारे अनुभव है कि नहीं बोलने के बाद शक्ति जागृत होती है, हूँ बोलने के बाद मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको अगर आप उल्टा समझाते हैं कि ये मत करो तो करेगा, और उसको बोलोगे कि करो जितना चाहे करो तो बंद कर देगा। तो इस मन को समझना जरूरी है, मन की व्याख्या, मन की परिभाषा समझना जरूरी है। मन को जिसने समझा उसका मन अमन हो गया, अमन शांति, अपने आप शांत हो जाता है। उसकी तरकीब क्या है? वास्तविक रूप से मन बहुत शांत है। लास्ट एक दो तीन दिन पहले बाबा ने कहा था ना, मन की अवस्था तो शांत है लेकिन जब शरीर में आता है तो चलता ही रहता है और उसके कारण अशांत हो जाता है। तो मन को अशांति पसंद नहीं है, मन को शांति ही पसंद है, बस उसको उसके तरीके से करना पड़ेगा हैंडल। तो मन को समझ लीजिए, मन क्या चीज है, मन हमारा है। फिर से उसी बात पर आते कि हम कौन है। 7 days के कोर्स में तो हम सब ने समझा है कि हम आत्मा है, लेकिन कैसी आत्मा है? स्वयं को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कितने साल से भी हम ज्ञान में चले, कितना भी योग किया, कितनी भी अमृत वेलाएं की, एक भी मुरली मिस नहीं की, बहुत सेवा की, सारी धारणाएं की, लेकिन खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं समझा, तो सारी चीजें एक साइड में और एक समझ एक साइड में। तो खुद को समझना बहुत जरूरी है। बाबा हमेशा कहते हैं योग लगाना बहुत सहज है लेकिन खुद को जानना मेहनत का काम है। लास्ट 2-3 दिन पहले आया था कि आत्म अभिमानी बनना मासिक का घर नहीं है, ना उसके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आज भी हम खुद को किस तरीके से देख रहे हैं, चेक कीजिए मैं कौन हूं। इस मैं में सारे राज छिपे हुए हैं। दुनिया की एक ऐसी शक्ति है जिसमें दुनिया के सारे राज दफन हैं मैं में। इस मैं को हम भूल गए इसलिए अज्ञानी हो गए। मैं को जिसने जान लिया वह बुद्ध बन गया, हम कहेंगे बाबा का ही टाइटल ब्रह्मा बन गया। और जिसने मैं को नहीं जाना वह कभी ब्रह्मा नहीं बन सकता, वो पूरे जीवन भर बुद्ध ही रहा। मैं को नहीं जाना तो मैं को जान जाए, भला आत्मा है कैसी है, मेरे से फीलिंग्स कैसी क्रिएट होती है, भावनाएं कैसी उत्पन्न होती है, मेरा मन कैसे दौड़ता है, आज यहाँ है सेकेंड में अमेरिका में चला गया, तो मन क्या चीज है समझ लीजिए। बुद्धि क्या चीज है, खुद की समझ ही सबसे बड़ी समझ है। खुद को जब तक नहीं समझते तब तक जितना समझा है व्यर्थ है, क्योंकि ऊपर ऊपर है, अंदर कुछ भी नहीं उतरा। अंदर सारा ज्ञान उतारने के लिए मैं को समझना पड़ेगा। बार बार हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं, स्वयं को समझ लीजिए। कभी समय निकाल के जो मैं बाहर भाग रहा है उसे अंदर अंदर भगाइए, अपने अंदर देखिए क्या समझ में आता है। आपको समझ में आएगा आपका ज्ञान। जब आप आपका ज्ञान समझेंगे आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, बाबा ने स्वयं परिपूर्ण बनाया है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि आत्मा समझ के अगर हम गलत संकल्प करें तो उठेगा नहीं उठेगा, आत्मा समझ के गलत बोल गलत कर्म नहीं होगा, मतलब सारा खेल हमारे अंदर है, बस मैं को समझ लीजिए। ध्यान मैं में लगाना है, मैं में ध्यान लग गया तो जो परम मैं है, मना बाबा,
उसमें ध्यान अपने आप लग जाएगा। लेकिन जब तक मैं में नहीं लगता तब तक बाबा में नहीं लग सकता। योग की अनुभूति बहुत सहज है, बहुत यानी बहुत सहज है। बस स्वयं की अनुभूति करना थोड़ा मेहनत का काम है, मेहनत करनी पड़ेगी। चेक कीजिए अपने आप को, अभी एक सेकंड के लिए चेक कीजिए। हम छोटा सा एक मिनट का पॉज लेते हैं। अपने आप से पूछिए, एक योग की छोटी अनुभूति अंदर, अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं। अपने को अंदर देखिए और देखिए आपको जवाब क्या मिलता है। चेक कीजिए, अपने आप से पूछिए मैं कौन हूं, और उस बिंदी को बोलने दीजिए, उस बिंदी को आंसर करने दीजिए। क्या आंसर मिलता है चेक कीजिए। अगर एक नाम, रूप, पद, पोजीशन आ रही है तो एक एक को निकाल दीजिए। अगर कोई नाम याद आ रहा है, बोलिए अपने आप से कि ये मैं नहीं हूं। रूप आ रहा है, यह मैं नहीं हूं। पद पोजीशन, यह मैं नहीं हूं। तो क्या बचता है चेक कीजिए। जो बचेगा वही आप हूं, और जो नष्ट होगा वह आप नहीं हो। तो जो बच रहा है वह आप हो। इसको बार बार याद दिला दीजिए कि यह मैं हूं। जो बचेगा वही आप, जो जाने वाला है वह आप नहीं हो, आप अविनाशी हो। सब कुछ जाने वाला है, भल सतयुग में विश्व महाराजन भी बने फिर भी वह पद एक दिन छूटने ही वाला है। आज यहां कितने भी बड़े राजयोगी का टाइटल मिला तो वह भी छूटने वाला है, वह भी मैं नहीं हूं। किसी भी मैं में नहीं अटकना। जब तक हम किसी मैं में अटके हुए हैं तब तक हम जैसे कि संशय में हैं, दुविधा में हैं, गलती में चल रहे हैं, एक मिस्टेक में चल रहे हैं, क्योंकि वह सच नहीं है। हमने झूठ को अपने ऊपर ओढ़ लिया है और उसको चला रहे हैं। जब झूठ का पर्दा निकलेगा तो आप अनुभव करेंगे सच कितना क्रिस्टल क्लियर है, डायमंड जैसा है। सच बहुत शुद्ध होता है, और सच ऐसी बात है जो किसी को बयां नहीं कर सकते। जब सच बयां किया जाता है तो सच सच नहीं रहता। आप ऐसे हो जो आप दूसरों को नहीं बता सकते आप कैसे हो। आप ऐसी आत्माएं हो सच में, जो आप अपने आप को बयां नहीं कर सकते। जितना आप अपने आप को जाया कर रहे हो, दूसरों को बता रहे हो, वो सब झूठ है। आप जो हो वो अपने आप को नहीं बता सकते। बाबा भी जो है सच में वह किसी को पता नहीं है वो कैसा है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं जिस सेकंड तुम मुझे जान जाओगे संपूर्ण रीति, उसी समय तुम संपूर्ण बन जाओगे। किसी को बताने के लिए भी नहीं रुकोगे यहां कि बाबा कैसा है। मतलब सच बताया नहीं जा सकता, ये सिद्ध हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जब संपूर्ण रीति जान लिया तभी शरीर छोड़ दिया, कर्मातीत बन गए। बाबा ऐसी अवस्था है, ऐसी हम कहेंगे एक चीज कहते, चीज कहना अच्छा नहीं, फिर भी एक कहते हैं कि बाबा एक ऐसी बात है जिसको जानने के बाद बयां नहीं कर सकते आप। वैसे आप हो, आप स्वयं को जब जान जाओगे आपका मुख बंद हो जाएगा, किसी को बता नहीं पाओगे कि आप कैसे हो। जब तक आप किसी को बता रहे हो आप ऐसे हो, ऐसे हो, वैसे हो, तब तक आपने आपको नहीं जाना है। जिस दिन आपका मुख आपके लिए बंद हो जाएगा, मैं कैसा हूं या कैसी हूं, उस दिन समझ लीजिए आपने अपने आप को जानना शुरू किया है। ये जानना और समझना ही सब कुछ है, इसी में सारी प्राप्तियां हैं। आज दुनिया की सारी प्राप्तियां खुद के अंदर हैं, खुद के अंदर हैं, बाहर कुछ नहीं है।
बड़े बड़े महात्माएं होके गए, बाहर कुछ नहीं ढूंढा उन्होंने, सब अंदर प्राप्त किया। तो बस अंदर उतर जाएं। पहले हम कहेंगे आप सभी को कि पहले खुद से योग लगाइए। जब तक खुद से योग नहीं लगता तब तक बाबा से योग नहीं लगेगा। खुद से योग लगाना मना आत्मिक स्थिति में आना, यही है खुद से योग लगाने की अवस्था। जब खुद का खुद से योग है तो सब कुछ अपने आप ठीक है और बाबा भी अपने आप याद रहेगा। फिर आपको पार्ट बजाने में मजा आएगा, बोर नहीं होंगे। जो भी जीवन का पार्ट बजा रहे हैं, किसी भी शरीर में है, किसी भी घर में है, मेल है फीमेल है शरीर, गरीब है अमीर है, जो भी है, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, जो भी है, मजा आएगा पार्ट बजाने में जब खुद से योग लगेगा। आज खुद से योग नहीं है, खुद से वियोग है, इसलिए बाबा से भी वियोग ही है। जब तक खुद से योग नहीं लगता तब तक बाबा से योग नहीं लग सकता, इसलिए खुद से योग लगाइए। खुद से योग मना बस मैं और कोई नहीं। जब तक कोई और बचा है तब तक योग नहीं लग सकता, बाबा छोड़ के कोई और बचा है तब तक योग नहीं लग सकता। तो किसी दिन समय निकाल के अब चेक कीजिए खुद से योग कितना लगता है। आज हम हर किसी को देखते हैं इन आंखों से, हर किसी से बात करते हैं, हर किसी को सुनते हैं, हर चीज को हम सूंघते हैं, हर किसी को स्पर्श करते हैं, हर किसी को बुद्धि से याद करते हैं, लेकिन यही आपके पांच सेंसेस और छठा बुद्धि, इसको अपने ऊपर लगाइए। कभी इन आंखों से तो नहीं देख सकते, बुद्धि की आंखें, अपने आप को देखिए। कभी इस मुख से अपने आप से बात कीजिए, कभी अपने आप को सुनिए, कभी अपने आप को सूंघिए और कभी अपने आप को स्पर्श कीजिए, देखिए कैसे लगता है, और कभी अपने आप को बुद्धि से समझ लीजिए। आज हर किसी को हम समझ पाते हैं, हर किसी को, लेकिन खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। जब हम खुद को समझेंगे तो हम बाबा के पास आए हैं ज्ञानी बनने के लिए। ज्ञानी जब अपने आप को समझेंगे तो अपने आप बन जाएंगे। मतलब सब कुछ होते हुए अगर हम परिपूर्णता को नहीं पा पाए, उसको हम नहीं अनुभव कर पाए, तो फायदा नहीं है। क्योंकि सब कुछ है, औरों के पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास ज्ञान है, लेकिन हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक भी। तो बस अपने आप को समझ लीजिए, सारे विकार सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। क्योंकि खुद एक स्वयं पूर्ण, मतलब स्वयं में संपूर्ण ऐसी आत्मा है हम, हमारे पास दुख नहीं है। कभी चेक कीजिए हमारे अंदर गुण और शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार है, दुख कहीं है हमारे अंदर, दुख बाहर से आ रहा है, दुख परिस्थिति है, स्थिति में दुख नहीं है, परिस्थिति में दुख है, दुख हमेशा बाहर से आ रहा है। आ कहां रहा है? प्रकृति की तरफ। और प्रभावित किसे कर रहा है? आत्मा को, चैतन्य को। तो चेतना चैतन्य को प्रभावित कर रही है। तो हम समझ सकते हैं हम चैतन्य में नहीं है, इसलिए चेतना हमें प्रभावित कर रही है। सारे दिन भर में कौन जीता है चेक कीजिए, सारे दिन भर में क्या आप ही सुबह में उठते हैं, आप ही नहाते हैं, आप ही नाश्ता करते हैं, आप ही सारे दिन भर में ऑफिस में घर में पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, चेक कीजिए कौन करता है।
इवन हम कहेंगे योग के समय भी कौन बैठा है। अब चेक कीजिए, जब आपको अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है, आसपास मना यहां आसपास अंदर क्या हो रहा है, मना आप में नहीं हो, आपको कोई और चला रहा है। शायद से लास्ट टाइम हमने ये बात डिस्कस की होगी, फिर से डिस्कस करते हैं। जब आप में नहीं होते तब आपको कोई और चलाता है, आपको समझ में नहीं आता लेकिन कोई और चलाता है। जो आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में है, हम 100% कह सकते हैं उसके शरीर में दूसरी आत्माएं प्रवेश होती हैं। ये हमने देखा भी है बॉडी कॉन्शियसनेस, क्योंकि जब आपका स्वभाव संस्कार नेचुरल बहुत अच्छा है, गुड है, किसी को दिल से लगता है कि किसी और को दुख दे, नहीं लगता होगा, लेकिन आप परवश हो जाते हैं, किसी के मुख से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, किसी ऑर्गन से ऐसी बातें होती हैं जो दूसरों को दुख देती हैं, मन से ऐसे संकल्प उठते हैं जिनसे दूसरों को गलत एनर्जी जाती है, उस समय आप परवश हैं, किसी एनर्जी के परवश हैं, या फिर विकार एनर्जीज हैं, इनके बारे में भी हम समझेंगे, या फिर आत्माओं के वश में हैं। इसलिए जो आत्मा स्वयं के स्वमान में नहीं होती उसे कोई और चलाते हैं। बहुत बार हम कहते हैं पता नहीं इनको अचानक से क्या हो गया, ऐसे क्यों बात करने लगे, वो बात नहीं कर रहे हैं, उनको किसी और ने टेक ओवर किया है, वह उनके द्वारा बात कर रहे हैं। अगर वह बात करते गलत करते तो गलत करने के बाद उनको आनंद मिलता। जो सच्चे दिल से गलत करना चाहता है उसे गलत करने के बाद आनंद मिलता है, और गलत होने के बाद जो पछता रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, समझ लीजिए उससे किसी और ने करवाया है। इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिनमें कोई उठपटांग बातें करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, तब पता चलता है कि सामने वो नहीं है, कोई और है उनके शरीर में, तब हम सीधा उनसे बात करते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, आपके अंदर जो बैठा है उनसे बात नहीं करनी है। सेकंड में वो साइड में चले जाते हैं, उनको पता चलता है कि हमें पकड़ लिया, तो वो नॉर्मल अवस्था में आते हैं। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस में जब हम नहीं रहते हैं, चेक कीजिए आपको कौन चला रहा है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अब चेक कीजिए, फिर खाना हो कौन खा रहा है, चलना हो, घूमना फिरना हो, कपड़े हैं, आप जहां नहीं हो, आपका मन जब कहीं और होता है, बाबा को छोड़ के कहीं और जगह होता है लौकिक में, तब कोई और आपको चलाते हैं और आपसे कार्य करवा के आनंद लेके चले जाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, भोजन कर रहे हैं, आपकी थाली में बहुत अच्छा आपका पसंदीदा पदार्थ है और आपका ध्यान नहीं है, उस समय कोई और आके उस पदार्थ को खाके चला जाता है। अगर आप अवेयरनेस में नहीं है, उसने तो उसके कॉन्शियसनेस से खाया। बाबा बहुत बार कहते हैं ना कि जब आप बाप की याद में नहीं होते हो तो माया आपका भोजन खा जाती है। ये एक ही बात है जो हमने कही, सारे दिन भर में आपसे कौन जीता है चेक कीजिए, आपको जीवन जीने का आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप नहीं जी रहे हो, आप अनकॉन्शियस हो, बस करते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, क्या बोल रहे हो आप नहीं सुन रहे हो, जो शब्द बोलते समय आप नहीं सुन रहे हो, माना कोई और आपसे बोल रहा है, आप अनकॉन्शियस हो। जितने शब्द आपने सुने आपके बोलते समय, माना आप जागृत हो, आप आपकी अवस्था में हो, जितने निवाले आपने खुद से खाए हैं, माना वो आपने खाए, जितने निवालों पर आपका ध्यान नहीं था कौन खा रहा है, माना वो किसी और ने खाए हैं। जो कोई और करता है
उससे हमारा नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि हम हमारी स्थिति में नहीं है। हमारी स्थिति में आना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। योग करने भी बैठते हैं बहुत बार, लेकिन योग में नहीं होते हम, चेक कीजिए, क्योंकि हम हमारे पास नहीं, हमारा मन कहीं और भटक रहा है, कहीं और जा रहा है, ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहा है जहां हमें आनंद आ रहा है, जो हमारे संस्कार है। अगर संस्कार बाप बन जाए, माना बाबा ही संस्कार, परम धाम ही संस्कार बन जाए, सतयुग ही संस्कार बन जाए, तो योग में आनंद आएगा। आज भी हमारे संस्कार ड्रामानुसार, हम कहेंगे ड्रामानुसार, आपको दोष देना, किसी को भी दोष देना अच्छा नहीं, ड्रामानुसार पुराने ही है, इसलिए हमारा मन अभी वही ही जा रहा है। चेक कीजिए, एक मिनट में जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं, कितना सेकंड बाबा है और कितना सेकंड कोई और है, चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं ही ठिकाने पर नहीं है तो बाबा कहां से मिलेगा। यात्रा अंदर से शुरू होती है और अंदर से ही ऊपर जाते, लास्ट बार भी हमने सुना था। तो यात्रा अंदर से करनी है, बाहर से नहीं, लेकिन खुद से शुरुआत खुद से करनी है। खुद को समझ लीजिए, खुद को जान लीजिए, सब कुछ जान जाएंगे अपने आप। कहते ना, जब खुद के अवेयरनेस में है, अब करते जाओ करते जाओ, हर कर्म में सफलता मिलती जाएगी, अपने आप मिलती जाएगी, क्योंकि खुद के अवेयरनेस में है, गलत हो ही नहीं सकता। तो पहली धारणा हम यह करेंगे, इस भट्टी में पहला पॉइंट हम ये नोटिस करेंगे कि सारे दिन भर में हम खुद में रहने का प्रयास करेंगे। ऐसे कोई तीन दिन निकालेंगे, मतलब जिस दिन, तीन दिन में आपको छुट्टी है तीन दिन में, या फिर दो दिन, एक दिन कम से कम जिसमें छुट्टी है, एक दिन में भी 8 घंटा, चलो आपके सारे काम निपटा के, खाना बनाना है और कोई कार्य करना है, बिजनेस का है, जो भी है, सारे काम पूरे करके 8 घंटे, जिस 8 घंटे में हर कर्म मैं आत्मा करूंगी, हर कर्म मैं आत्मा करूंगी, जब हर कर्म मैं करती हूं तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाता है और मैं अपनी स्थिति में आ जाती हूं। यही भट्टी है। भट्टी में क्या है समझना बहुत जरूरी है। भट्टी क्या है? भट्टी कोई और आपकी नहीं करा सकता, हम भी आपकी भट्टी नहीं करा सकते, आपकी भट्टी आपको ही करनी है। कितना भी हम चाहें, कोई कितना बड़ा भी योगी आ जाए, आपकी भट्टी नहीं करा सकता, कोई भी आ जाए, आपकी भट्टी आप ही कराने वाले हो और आप ही करने वाले हो। हम यहां से कितना कुछ भी कहें, कोई और कितना कुछ भी कहे, लेकिन आप वही सुनने वाले हो जो आप सुनने वाले हो। बाकी क्लास कितना कहा उससे कोई फायदा नहीं, आपने जो सुना वह आपका है। बाबा ने मुरली कितनी भी चलाई, लेकिन मैंने कितनी सुनी उतनी मुरली मैंने सुनी और उतनी ही मुरली मेरी है, क्योंकि वही मैंने सुनी, सुनाने वाले ने तो पूरा सुना दिया। इसलिए भट्टी आपकी, आपको करनी है। कैसे करेंगे? पहले 8 घंटा बेसिक शुरुआत है, हम आपको कहेंगे कि एक दिन समय निकाल के 8 घंटे के लिए, पिकनिक तो मनाते हम दिन भर, कहाँ जाना है 3 दिन 5 दिन 1 दिन, खाना पीना हर बात के लिए हम टाइम निकालते हैं, लेकिन इस बात के लिए टाइम निकालना जरूरी है, बहुत जरूरी। 8 घंटे में हर सांस भी आप ही लेने वाले हो, एक भी सांस आपके अवेयरनेस के बिना अंदर न जाए, इतना अटेंशन। हर शब्द तो आप ही उच्चारोगे, जो भी मुख से निकल रहा है, हर शब्द अगर सुन रहे हो तो भी अटेंशन रहेगा कि मैं सुन रही हूं, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। फिर देखिए परिवर्तन कैसे होता है। बोलो, आदत पड़ी है,
उसका कारण एक है, हमारे पास बुद्धि की ताकत नहीं है। जब बुद्धि वीक हो जाती है, बुद्धि की ताकत कम हो जाती है, तब हमारा मन कमजोर हो जाता है। हमारा मन खुद से नहीं चल रहा है, हमारी बुद्धि ही मन को चला रही है। जब तक कोई ऐसा विजन हमारी बुद्धि में नहीं आता, कोई भी विजन, तब तक मन उसके ऊपर संकल्प नहीं चलाएगा, विजन ही नहीं आया। अगर हमने आम शब्द उच्चारा या एप्पल उच्चारा, और जब आम का विजन आया, एप्पल का विजन आया, तब मन उसके ऊपर इतना दौड़ेगा, जितने प्रकार के आम हैं उनको याद करेगा। अगर आपने खाए हैं तो हर टेस्ट को याद करेगा, और खाए टेस्ट याद है तो कौन से एरिया में कौन सा आम मिलता है ये भी याद करेगा, किसकी क्वालिटी एक्सपोर्ट है, किसकी क्वालिटी इंपोर्ट है, ये भी याद करेगा। मैंने एक अपने विजन दिया, उसको मन चलना शुरू हो गया। तो विजन कौन क्रिएट करता है? बुद्धि। तो अभी तक 2500 साल से ऐसे विजन चलते रहे बुद्धि में जो संसारी थे, दुनियावी थे, उसके कारण हमारी एनर्जी खत्म होती गई। दुनिया का ऐसा कोई भी विजन अगर हमारी बुद्धि में आता है तो हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, कम हो जाती, दुनिया का कोई भी विजन। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, देह और देह के सारे संबंध को भूल कर मुझे याद कर, पदार्थ को, सारे संबंध को, किसी को भी नहीं। आज दुनिया की हर चीज तमो प्रधान हुई है, हर चीज। अब किसी भी आत्मा को तो याद नहीं करते, शरीर को ही याद करते हैं। तो हर चीज जड़ जड़ी भूत है, तमो प्रधान है, उसको अगर आप याद करेंगे तो आपकी एनर्जी खत्म ही होने वाली है। और ऐसी चीज जो अविनाशी है या फिर उसके अंदर बहुत ऊर्जा भरी हुई है, सबसे अच्छी चीज है याद करने के लिए मैं और बाबा, और कुछ नहीं, अविनाशी है। उनको याद करेंगे तो हम भी शक्तिशाली अपने आप बनते जाएंगे। आज समान तो याद कर रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन देखना क्या है पता नहीं। और जब तक देखते नहीं तब तक मन दौड़ेगा नहीं। इसलिए जस्ट इस एक चित्र को भी हमने देखा, चित्र को देखना स्टार्ट किया, मन अपने आप विचार करता है उसके ऊपर। मन को तो नहीं बोला हमने कि इसके ऊपर विचार करो, मतलब सामने बाप दादा का चित्र है, ब्रह्मा बाबा है, ऊपर शिव बाबा है, बस चित्र को देखा, फिर भी विचार चलना शुरू हो जाता है। तो हमारी बुद्धि में ऐसे चित्रों को लाना है जिन चित्रों से ताकत मिले, न कि हम नीचे आ जाए। सारा खेल बुद्धि का है। अगर आपकी बुद्धि में गलत विजन्स आते हैं, ऐसे चित्र आते हैं दुनिया में, तो आपकी एनर्जी कम होगी, फिर मन उस अनुसार दौड़ता है। मन के पास ताकत नहीं, जितनी ताकत बुद्धि के पास है उतना मन दौड़ेगा। किसी महात्मा का मन दुनिया की बातों के लिए विचार नहीं करेगा। किसी इंसान ने, किसी आत्मा ने उसे प्रश्न पूछा कि मेरे परिवार में ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, तो बस सोल्यूशन देके छोड़ देगा। उसके परिवार के बारे में वह महात्मा सोचेगा नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि उस लेवल की नहीं, उसकी बुद्धि उससे ऊपर है। तो सोल्यूशन देगा और बोलेगा ये बात करो, अच्छा हो जाएगा। इंसान करता है, अच्छा हो जाता है, और उस महात्मा की बुद्धि भी उसमें नहीं अटकी। लेकिन अगर महात्मा की बुद्धि संसारी होती तो संसार का कोई व्यक्ति कहता कि मेरे घर में ये परेशानी है, तो महात्मा बोलेगा कि पहले जरा इतने पैसों का इंतजाम करो, यह विधि करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मतलब उसने सोल्यूशन कौन सा दिया? दुनियावी, क्योंकि उसकी बुद्धि उन्हीं बातों को सोच सकती है। अगर आपको कोई कुछ बात बताता है, चित्र दिखाता है, तो चेक कीजिए, अगर आपका मन उसके ऊपर चल रहा है, मन आपकी बुद्धि शक्तिशाली है। अगर नहीं चल पा रहा है, अगर लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर, सतयुग के चित्र को देखकर हमें महल दिख रहे हैं, गहने दिख रहे हैं, कपड़े दिख रहे हैं, सुंदर शरीर दिख रहा है,
मना हमारी बुद्धि अभी भी कलयुग में है। अगर लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं नजर आ रही है, विश्व महाराजन विश्व महारानी, मना हम उस लेवल में पहुंच चुके हैं। हम किसके ऊपर विचार करेंगे कि उन आत्माओं ने सारे गुण सारी शक्तियां धारण की, 16 कला संपूर्ण बने। लेकिन अगर दुनियावी बुद्धि है तो देखेगी कि गहने कितने सुंदर हैं, पुष्प विमान कितना सुंदर है, शरीर कितना सुंदर है, आंखें नाक कान कितना सुंदर है, मतलब हमारी बुद्धि उसी का विचार कर पा रही है। तो कभी शांत चित्त होकर चेक कीजिए, कोई टॉपिक मिलने के बाद, किसी चित्र को देखने के बाद या किसी चित्र को याद करने के बाद आपकी बुद्धि किस पर विचार कर रही है, उस चित्र में से सार पर विचार कर रही है या उस चित्र में असार को देख रही है। अगर असार को देख रही है तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है, अगर सार को देख रही है तो हम सोल कॉन्शियसनेस में है। किसी आत्मा को देख कर भी, किसी भी आत्मा को देख कर भी अगर हम हमें वह आत्मा दिखती है, माना हम सार में है। अगर आत्मा की पद पोजीशन क्वालिफिकेशन शरीर दिख रहा है, कपड़े दिख रहे हैं, माना असार में है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी बुद्धि किस लेवल में चल रही है। बुद्धि की लेवल एक बार पता चल गई, ज्ञान सहज हो जाएगा। मन कुछ नहीं कर रहा है, मन बुद्धि के बलबूते पर दौड़ रहा है। बुद्धि के पास जितनी ताकत उतनी ही ताकत से मन दौड़ रहा है। अगर बुद्धि में निगेटिविटी है तो मन उसी ओर जा रहा है, अगर बुद्धि में शुद्धता है तो मन उसी ओर जा रहा है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं राजयोग से बुद्धि को शुद्ध करना है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है, बाबा आके बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो हमें बुद्धि का ताला खोलना है। कैसे खोलेंगे? किसी दिन समय निकाल के अपनी बुद्धि में अच्छे अच्छे चित्रों को याद कीजिए, अच्छे अच्छे चित्रों को। सबसे अच्छे चित्र हैं बाप, फिर परम धाम, सूक्ष्मतन, बाप दादा, फिर कहेंगे स्वर्ग, वहां पर विश्व महारानी विश्व महाराजन, मतलब पांच स्वरूप जो है ये दुनिया के सबसे अच्छे चित्र है बुद्धि के लिए। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं, बहुत बार कहते हैं कि चक्र घुमाते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो पांच स्वरूपों को जितना याद करते जाएंगे बुद्धि उतनी शुद्ध होती जाएगी। इसमें भी क्या करना है, स्वरूप में ये स्वरूप ना भूले। छोटी सी विधि बताते हैं, जब हम हमारे स्वरूप को याद करते हैं तो अंदर की बिंदी ना भूले, बाहर का बस कोटिंग बदलना है, बाहर का कॉस्ट्यूम बदलना है, कपड़े बदलने, मतलब अपने अनादि स्वरूप को याद किया तो कुछ नहीं, बस एक बिंदी है। जैसे आदि स्वरूप को याद किया तो इस बिंदी के ऊपर एक कपड़ा आ गया, विश्व महाराजन या विश्व महारानी का, बिंदी वैसी है, बस ऊपर का एक कपड़ा चढ़ गया। जब हमारे अनादि आदि पूज्य स्वरूप को याद किया तो ये कपड़ा निकल गया, किसी पूजनीय स्वरूप का कपड़ा, किसी देवी या देवता का, गणेश का कपड़ा याद आया, कोटिंग, बिंदी ना भूले। इस विधि को आप ट्राई करके देखिए, बहुत शक्तिशाली अनुभूति होगी। फिर यह देवी देवताओं का कपड़ा निकल गया, बिंदी वैसी है, फिर यह ब्राह्मण शरीर का ऊपर कपड़ा आ गया, यह भी कपड़ा निकल गया, बिंदी वैसी है, ऊपर एक सूक्ष्म शरीर का फरिश्ते का कपड़ा आ गया। बहुत सहज है पांच स्वरूप को याद करना। इस पांच स्वरूप में बिंदी नहीं भूलनी चाहिए, बिंदी जैसी की वैसी। तो हम और एक धारणा करेंगे कि बुद्धि को अच्छे अच्छे चित्रों की याद दिलाएंगे, अच्छे चित्र जिनसे हमारी मनस्थिति अपने आप अच्छी हो जाती है। किसी एक्सीडेंट के चित्र को याद करते हैं तो सुख फील नहीं होगा, दुख ही महसूस होगा। और किसी शुभ कार्य के चित्र को याद करते हैं, कोई भी शुभ कार्य हो उसको याद करते हैं, अपने आप अंदर सुख की अनुभूति होती है।
तो आज इसे हम एक प्रयोग करेंगे, आप अनुभव करके देखिए। सबसे अच्छा समय है अमृत वेला, नुमा शाम और दिन भर में। जब भी समय मिले अच्छी अच्छी बातों को याद कीजिए, अच्छे अच्छे स्वरूपों को याद कीजिए। आपको जो भी अच्छा लगता है, आपने ब्राह्मण जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति को पाया था या पा रहे, उसको भी याद कीजिए। जो आपका पहला बाबा मिलन है मधुबन में, उसे याद कीजिए। वह बाबा मिलन सबका अविस्मरणीय है, जो कभी नहीं कोई भूल सकता। हम कहते कि 99% आत्माओं की आंखों से प्यार के आंसू आए थे उस मिलन में, उसको याद कीजिए। अपने आप शक्ति आपके अंदर आती है, यह नियम है। अब जिस चीज को याद करते हैं, उस चीज से रिलेटेड विश्व की सारी ऊर्जा आपकी तरफ दौड़ती है, उस चीज से रिलेटेड। अगर गलत बात को याद किया तो आपका मन कुछ सेकंड में इतना गलत सोचना शुरू करेगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सारी दुनिया की गलत एनर्जी को आपकी तरफ खींच लिया। आप जैसे कि एक खुद हम खुद में एक अंदर वाले एक मोबाइल डिवाइस है, सिम कार्ड कहें या मोबाइल डिवाइस कहें। इंटरनेट तो चालू है, नेट चालू है, आज भी यहां नेट ऑन करते हैं, जो चाहे हम डाउनलोड कर सकते हैं। और जब हम डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब में अगर, गूगल में अगर हमने नेट पर कुछ डाल दिया, एक नाम डाला, उस नाम से रिलेटेड कितने ऑप्शन आते हैं, सर्च आते हैं, चेक कीजिए कितने सारे सर्च आते हैं। दुनिया भर के सारे सर्च उसमें आ गए, मतलब आप देखकर थकेंगे लेकिन वो सर्च खत्म नहीं होंगे, इतने सारे सर्च हैं। तो सोचिए एक डिवाइस इतने सर्च को अगर हमारे यहाँ ला सकता है, तो ये डिवाइस कितने सर्च को ला सकता है। दुनिया की सारे निगेटिव ऊर्जा को आप आपकी तरफ बुला रहे हैं, और यहाँ ही सर्च करने के लिए डाल दिया मैं आत्मा स्वमान, अपने पांच स्वरूप, बाबा की याद, तो दुनिया की सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपकी तरफ भागती है, सारी पॉजिटिव ऊर्जा। अच्छा ऑप्शन हम गूगल में डालते तो सारे अच्छे आ जाते हैं, उससे रिलेटेड एक भी निगेटिव नहीं आएगा। आप चेक करके देखिए, सारे अच्छे आ जाएंगे। वैसे ही क्या ऑप्शन हम हमारे ब्राउजर में डालते हैं या सर्च करने के लिए, हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। तो आज से हम ये धारणा करेंगे कि बुद्धि में अच्छे अच्छे चित्र, अगर बुद्धि याद नहीं कर पा रही है तो बाबा मुरली ने बहुत बार कहते हैं कि कभी जाके अच्छे चित्रों के सामने बैठ जाओ, बाबा के चित्रों के सामने बैठ जाओ, अपने आप स्थिति बन जाएगी। तो बस देखते रहिए, देखना भी कैसे हो, पूरा देख लीजिए, मन वहां ही रहेगा। आप जिस चीज को देखते हैं मन और बुद्धि से, उसकी और आपकी ऊर्जा एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है अपने आप। आज यहां बैठकर आप किसी और को याद कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा आप में आ रही है, आपकी ऊर्जा उसमें जा रही है, ये लॉ है प्रकृति का। तो जो भी हम याद करते हैं उसकी ऊर्जा हम हमारी तरफ खींचते हैं, हमारी ऊर्जा उसको देते हैं। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि जब हम गुस्से में हैं, दुख में हैं, तो गलती से भी किसी और को याद मत कीजिए, आप उनका नुकसान कर रहे हैं। उनको पता नहीं, लेकिन जिनको याद कर रहे हैं, जब दुख में है, क्रोधित है, तो थोड़ी अच्छी भावना से उनको याद कर रहे हैं, गलत भावना से ही याद कर रहे हैं ना, क्रोध से, तो उनको ऊर्जा कौन सी जा रही है, क्रोध की। इसलिए जिस चीज को याद कर रहे हैं वही आप बनते जा रहे हैं, जिसको याद करेंगे वही बनते जाएंगे। तो आज से हम ये धारणा करेंगे कि बुद्धि को अच्छे अच्छे चित्र देंगे, खुद का चित्र, स्वयं बिंदी है, कभी बिंदी का चित्र बुद्धि को दीजिए। अभी तक हमने नहीं दिया है, किसी को अगर दुख लगे इस बात का तो माफ कीजिए, लेकिन सच कहते हैं अभी तक हमने हमारा चित्र बुद्धि को नहीं दिया है कि ये मैं हूं, अभी तक बुद्धि को नहीं समझाया है कि ये मैं हूं। जिस दिन बुद्धि को समझाएंगे कि ये मैं हूं, उस दिन बुद्धि समझ जाएगी हाँ मैं हूं, फिर याद दिलाना नहीं पड़ेगा कि ये मैं हूं, मैं अपने आप
जागृत हो जाएगा। तो बुद्धि को सतो प्रधान बनाना हमारा कर्तव्य है। बाबा तो बस ज्ञान देगा, मदद तो कर रहा है शक्तियों के रूप में, लेकिन करना हमें ही पड़ेगा। कोई भी आत्मा बस अपने बुद्धि से अपने आप को देखती रहे, फिर भी देखिए बदलाव क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे 8 घंटे की भट्टी की। सारे दिन भर में ऐसे कोई 8 घंटे जिनमें मैं जीऊंगी या मैं जीऊंगा, ऐसे 8 घंटे उसमें आप अनुभव करके देखिए आपको कैसे लगता है जीने में। मुरली का एक एक शब्द भी मैं पढ़ने वाली हूँ। मुरली को 1 घंटा भी लगे पढ़ने में कोई हर्जा नहीं, एक ही दिन का अभ्यास है, ज्यादा भी नहीं, लेकिन एक एक शब्द मेरी अवेयरनेस में। हम पढ़ते तो है लेकिन कितना हमने पढ़ा हमें पता नहीं होता। अनकॉन्शियसली आंखें देखती है, मुख बोलता जाता है, उतना ही हमने पढ़ा जितना हमने सुना। जो हमने नहीं सुना वह हमने पढ़ा ही नहीं है, कितना भी हम कहें। इसलिए हम उस दिन एक एक शब्द हम पढ़ेंगे, करके देखिए, एक एक निवाला हम खाएंगे, एक एक कदम चलने का हम उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर हो सके तो एक एक सांस भी हम ही लेने वाले हैं, सबसे बड़ा अटेंशन है। इसलिए अभी जो एक विधि बनाई है सांसों की, सांसों से आत्मिक स्थिति को बढ़ाना, जिसमें हमने 5 हमारे कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को कहिए, उनको हमने कार्य में लगाया है आत्मिक स्थिति में। जो सांसें हम आत्मा लेते हैं वही सांसें हमारे शरीर को शुद्ध बना रहे हैं, जो मैं ले रही हूं और जो कोई और ले रहा है, या तो हम कहते हैं कि शरीर ले रहा है। सांस अपने आप नहीं चल रही है, या तो कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली मैं ही ले रही हूं। सांस अपने आप नहीं चल सकती, कितना भी कहें, उसको ऊर्जा चाहिए चलने के लिए। मैं आत्मा ले रही हूं, लेकिन जितनी सांसें मेरी निगरानी में चल रही है, मैं आत्मा ले रही हूं, उतनी सांसों से आपका शरीर हेल्दी बनता जा रहा है, मन शुद्ध बनता जा रहा है। तो उसमें यही विधि दिखाई है कि मैं आत्मा ब्रेन में मस्तिष्क के मध्य में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में हूं, और मैं मेरी नाक से ऑक्सीजन के रूप में एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले रही हूं। कहां आ रही? आत्मा में आ रही, और आत्मा से ही नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही। बहुत अच्छी अनुभूति है। बहुत से आत्माओं ने फोन करके सुनाया, कमेंट भी किए कि अभी तक जो आत्मिक स्थिति नहीं हो रही थी अभी वो इजी हो रही। कल रात डिस्कस करते ही दीदी जी से बात हुई, एक सिस्टर है, उन्होंने फोन करके बताया कि यह विधि मैं कर रही हूं और 7 दिन में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने रात को सोते समय खुद के शरीर से बाहर निकल के खुद के शरीर को देखा, इतना गहराई वाला अनुभव आत्मा का। और वह करते जा रहे। उन्होंने और एक अनुभव सुनाया उनका कि क्लास में छोटी बच्ची को छोड़ने गए थे और छोड़कर कॉर्नर पर खड़े थे ऑटो के लिए कुछ, तो उन्होंने सुनाया कि छोटे बच्चे जो क्लास में पढ़ रहे थे ट्यूशन क्लास में, तो वो माता ने खुद सुनाया कि उनसे इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रहे थे कि उन बच्चों को वो अनुभूति हो रही थी। बच्चे बोल रहे थे कि उन दीदी से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही, उनकी स्थिति ठीक हो गई। कहना यही है, हमारी स्थिति में ही सब कुछ है, हमारी स्थिति में। इसलिए इस विधि को आप करके देखिए। पहली विधि है सांस की। जब सांस ही आत्मिक स्थिति में चले तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी तो अपने आप चलता जाएगा। ये सारी विधियां हम वीडियोस में देखेंगे भी और करने का भी प्रयास करेंगे आज की क्लास में। शायद से आपने की होगी, कुछ आत्माओं ने आप में से, तो आप अनुभव करके देखिए। मैं सांस आत्मा ले रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अटेंशन रखना कि मैं आत्मा कर रही हूँ, फिर वो सांस ले, शब्द बोले, शब्द सुने, कुछ भी करे, लेकिन मैं आत्मा। सबसे सूक्ष्म कर्म है सांस का, इसलिए इसको हमने
उसके अंदर डाला, आत्मिक स्थिति, तो उससे अनुभूति होती है कि हाँ शरीर चलता जा रहा है, शरीर में एक अलग लाइटनेस आता जा रहा है। आज बाहर सिखाते हैं, सांसों का अभ्यास सिखाते हैं, लेकिन वो स्थूल रूप से हठ योग है, इसमें न सांस बदलनी, जैसी चल रही वैसी, लेकिन मैं आत्मा ले रही हूं, मैं आत्मा छोड़ रही हूं, अटेंशन आत्मा के ऊपर। दूसरी विधि है, इसमें बनाई, मैं आत्मा मेरे मुख से मैं बोल रही हूं, लेकिन अटेंशन है कि मैं ही बोल रही हूं, मैं जो आत्मा हूं वही मैं बोल रही हूं, और उस मैं को मैं ही मेरे कानों से सुन रही हूं। माना आपके दो शुद्ध हो गए, मुख भी शुद्ध हो गया, कान भी शुद्ध हो गए, क्योंकि इस मुख से जो कर्म हम आत्मिक स्थिति में करते हैं, जिस कर्मेंद्रिया से करते हैं, वो कर्मेंद्रिया शुद्ध हो जाती है। कर्म तो शुद्ध रहता ही रहता है, और कर्मेंद्रिया भी शुद्ध होती है, उसके अंदर अगर कोई निगेटिव संस्कार है तो वह भी निकलते हैं। तो मैं मुख से बोला, किसने बोला? मैंने, मैं आत्मा ने, और मैं भी कानों से सुना, मैंने ही सुना, उसके कारण दोनों भी अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। तीसरी बात है स्पर्श की, उसमें हमने इस प्रकार से बनाया है कि मैं आत्मा, जैसे मेरी मध्यमा उंगली, किसी को लगेगा कि ये स्थूल है, लेकिन आत्मिक स्थिति बढ़ाने के लिए, आत्मिक स्थिति में आने के लिए आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आत्मिक स्थिति में आ जाइए, जो आपको अच्छा लगता है कुछ भी कीजिए। तो उसमें क्या किया है कि बस मध्यमा उंगली को, जैसे मैं अपने आप को देख रही हूं ब्रेन के अंदर, आत्मा, जब मैं मेरी उंगली यहां टच करती हूं तो आत्मा की लाइट फैलती है, बढ़ जाती है लाइट, जब उंगली निकालती हूं तो फिर से पॉइंट ऑफ लाइट सूक्ष्म, जैसे उंगली टच की फिर से लाइट, अनुभूति करने की लाइट बढ़ गई, फिर से छोटी हो गई। इससे क्या होता है कि आत्मिक स्थिति बढ़ती जाती है, और अब अनुभव करेंगे कि जैसे आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी, जीवन की सारी समस्या अपने आप समाप्त होती जाएंगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा, एक ही बात करनी है, अपने आप में आना है, अपने आप में आना ही सब कुछ है। तो इन विधियों को बनाया गया है, जैसे आप करते जाएंगे, आप अनुभव करते जाएंगे, सब परिवर्तन होता जा रहा है, अपने आप परिवर्तन होता जा रहा है। तीसरी विधि बना, चौथी विधि होगी शायद से ना, चौथी विधि इस प्रकार है, आंखों के लिए, आंखें शुद्ध करने के लिए, जब मैं ऐसे ही आत्मा हूं तो मैं अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट देख रही हूं ब्रेन के अंदर, जैसे ही मैंने मेरी एक दो सेकंड के लिए आंखें बंद कर दी, मेरी लाइट बढ़ गई, अंदर महसूस कर रही हूं मेरी लाइट बढ़ गई, जैसे ही आंखें खोल दी फिर से पॉइंट ऑफ लाइट सूक्ष्म, फिर से आंखें बंद कर दी फिर से लाइट बढ़ गई। इन विधियों को करने से अनुभूति होती है कि सोल कॉन्शियसनेस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं कर रही हूं। जब हमारे सारे कर्मेंद्रिया कंट्रोल में आ जाएंगे हमारे, हम राजयोग में सीखते हैं कि हमारे पांच कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल हो, हम सीखते कहते कि ये सारे घोड़े हैं, इनके ऊपर हमें कंट्रोल करना है, लेकिन जिसको कंट्रोल करना है वो पहले उस सिंहासन पर तो बैठे जहां उसकी जगह है, जब तक सिंहासन पर नहीं है कंट्रोल नहीं होगा। इन विधियों से आपको सहज होगा सिंहासन पर बैठना, और कंट्रोलिंग अपने आप होगी। अब आंखों को नहीं बदला रहे हैं आप, कानों को नहीं बदला रहे, मुख को नहीं बदला रहे, बस अपने आप को बदला रहे हैं। फिर आपकी हर बात, आपका स्पर्श हो, दृष्टि हो, मुख से बोलना हो, सुनना हो, हर बात शुद्ध और पवित्र हो जाएगी, आप अनुभव करेंगे। इसलिए ये विधियां जब करेंगे, करके देखिए घर का वायुमंडल कैसे हो जाता है। आत्मिक स्थिति बहुत शक्तिशाली है, यह सिर्फ ना आपके लिए बल्कि आपके आसपास के वायुमंडल के लिए भी बहुत प्रभावशाली है। अपने आप वायुमंडल बदल जाता है, जितने निवाले खाएंगे उतने मुंह खा रहे हैं ना, तो एक एक निवाले का अनुभव कीजिए। जब आप चबा रहे हैं तो चेक कीजिए कि
किस अवस्था में चबा रहे हैं, गुस्से से चबा रहे हैं या प्यार से चबा रहे हैं। गुस्से से चबा रहे तो आप नहीं है, कोई और चबा रहा है, और अगर ऐसे कोई और चबाता रहा तो वो हमें एक दिन चबा जाएगा। इसलिए हम अपने आप को सेव करने के लिए, सेफ करने के लिए हम खुद भोजन को चबाएंगे। भोजन का ध्यान जिस आत्मा ने रखा, ठीक है, सुबह 10-15 मिनट, दोपहर 10-15 मिनट, शाम और रात, वह आत्मा अपने आप योगी बन जाती है। भोजन का ध्यान, अभी ये टॉपिक निकला है तो इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हम जो भोजन खा रहे हैं वो कहां से आया है पहले चेक कीजिए। जिस किसी फार्मर ने वो बीज डाला है, कौन सी विचारधारा में बीज डाला है हमें पता नहीं है, वह ऊर्जा उसमें है। जिस किसी ने उसको काटा है, कौन से विचारों में काटा है। हम मजदूर तो लाते हैं, लेकिन कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी के शरीर में कोई बीमारी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो वही स्थिति में काम करता रहता है। वो जो आत्मा है जिसका पार्ट है मजदूरी का, उसी अवस्था में काम करता है। फिर जिसने उसको ट्रक में भर के लेके गया, फाइनली हम सोचेंगे जिस दुकान से हमने लाया है, उस दुकानदार ने आपको जिस माइंड से दिया है वह ऊर्जा उसमें है। मतलब इन सब की एनर्जी उसमें छिपी हुई है। अगर हम उस भोजन को जैसे कि वैसे खाते हैं, फिर कुछ भी हो, फल हो, सब्जी हो, दूध हो, कुछ भी हो, जैसे कि वैसे खाते हैं, तो हम वैसे ही बनेंगे जिन्होंने उसको हाथ लगाया है, क्योंकि हमने उस भोजन को चेंज नहीं किया। उसको प्रोग्रामिंग करना बहुत आवश्यक है। हम सोचते हैं कि शायद से 10-20 सेकंड में हो जाएगा, अगर स्थिति है तो 10-20 सेकंड में जरूर होगा, लेकिन स्थिति नहीं तो नहीं होगा। तो उसी अवस्था में अगर हमने खा लिया तो वही धारणाएं हमारी बन जाएगी। तो हमें सबसे बड़ी बात करनी है भोजन को चेंज करना है। भोजन को कैसे चेंज करेंगे, अभी इस टॉपिक से और एक टॉपिक निकला है जो बहुत बड़ा है। बहुत सी आत्माएं मानती हैं और अनुभव भी है सबको कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस सुमान की ताकत बहुत है, नहीं ऐसा नहीं, हम कहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकत है मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अब कभी अनुभव करके देखिए, इसकी ताकत इतनी है कि अब सोचेंगे नहीं कि इतनी ताकत, मतलब कुछ सेकंड में इससे निकल सकती है। सारा एनर्जी का खेल है। जब भी आप भोजन बना रहे हैं तब बस इस समान में रहिए, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। दुनिया की क्लीनिंग सिर्फ ज्ञान से ही होगी और किसी से नहीं होगी। बाबा आकर सिर्फ ज्ञान दे रहा है, शक्ति नहीं दे रहा है, शक्ति हम ले रहे हैं उससे, बाबा ज्ञान दे रहा है। तो किसी को, किसी का उद्धार करने के, किसी को शुद्ध बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञान की जो ऊर्जा है उसमें इतनी ताकत है कि आपका जीवन बदल देगा। तो जब आप भोजन बना रहे हैं, अनुभव कीजिए कि बाबा से ज्ञान की गहरे नीले रंग की किरणें आप आत्मा में आ रही हैं और आपसे भोजन में जा रही हैं। भोजन की जितनी भी अशुद्धियां हैं खत्म हो जाएंगी। ज्ञान की गहरे नीले रंग की किरणें बाबा से आप में, आपसे भोजन में जा रही हैं। आप बिंदी से, अभी क्या हो गया, आपने उसको चेंज तो कर दिया, उसकी एनर्जी चेंज हो गई, अभी उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ गई। अभी आप उस भोजन से क्या रिजल्ट चाहते हैं, जो शुरू में हमने बात की थी कि आपको क्या चाहिए, ये जब तक पता नहीं तब तक आपको वही मिलेगा जो आप अंदर से चाहते या उसमें है। तो इस पवित्र भोजन को एक संकल्प देना है 3 बार। अब करके देखिए कि यह पवित्र शुद्ध भोजन जो भी आत्मा ग्रहण करेगी, नाम नहीं लेना है। जब आप खुद का नाम लेते हैं कि यह पवित्र भोजन मैं आत्मा जब ग्रहण करूंगी, सेवन करूंगी, मैं जब आता है तो शक्ति इतनी सी होती है। जो भी आपने बोला ना कि यह पवित्र भोजन, शुद्ध भोजन जो भी आत्मा ग्रहण करेगी,
उसकी बुद्धि शुद्ध और पवित्र बन जाएगी। हमें किसी का और कुछ नहीं करना है, बस बुद्धि और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र बनाना है। तो जो भी लेने से क्या हो गया कि वो भोजन कोई भी आत्मा अगर खाती है, मतलब आपने खा लिया, आपकी तो हो जाएगी, परिवार की भी हो जाएगी, कुछ बचा कुछ आए किसी को आपने दे दिया, उसकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि आपने उस भोजन को प्रोग्रामिंग कर दिया। ये प्रोग्रामिंग सबसे बड़ी चीज है। प्रोग्रामिंग अगर जब तक हम नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा। प्रोग्रामिंग सीख लीजिए। हमने कल ही डिसाइड किया था आने से पहले कि आज भट्टी में हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे, हर बात की प्रोग्रामिंग क्या चीज है। आप करो या ना करो, प्रोग्रामिंग हर चीज को दी हुई है। ये सोफ, ये जो भी है, बैठने की संदली जहां से बनी है, जिस जंगल से ये लकड़ी लाई, लकड़ी की है, स्टील की है, जो भी है, जहां से मटेरियल आया उसकी प्रोग्रामिंग इसमें है, जिसने बनाया उसकी प्रोग्रामिंग इसमें है। अगर इसकी प्रोग्रामिंग अगर हम चेंज नहीं करते तो इससे हमें वही फील होगा जिसकी उन्होंने की है। तो हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग में मुरली सुन रहे हैं बाबा से, नुमा शाम में मुरली सुन रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बाबा से, रूह रिहान कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यह प्रोग्रामिंग ही सब कुछ है। अगर प्रोग्रामिंग नहीं करते तो फिर से कहते वही मिलेगा जो पहले से उसमें प्रोग्राम्ड है। किसी और ने तो किया हुआ है, जो हम भोजन खा रहे हैं उसको उन सब ने तो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, बट उस समय पता नहीं था कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। लेकिन किसी चीज को हैंडल करते समय जो विचार हम कर रहे हैं, मतलब उसको प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को डायरेक्ट नहीं लेना है। इस प्रोग्रामिंग के वजह से आपकी जीवन बहुत सुखी हो जाएगी, आप अनुभव करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग है भोजन को। भोजन को प्रोग्रामिंग किया कि यह पवित्र भोजन जो भी आत्मा खाएगी उसकी बुद्धि शुद्ध और पवित्र बन जाएगी। भोजन के हर एक दाने में शुद्धता है, आप महसूस करेंगे। दाना दाना शक्ति से और शुद्धता से भरा हुआ है। फिर वो जिस किसी ने भी बनाया निमित्त बन के, अब चेक करके देख सकते हैं कि परिवर्तन करता है। हमने अभी तक सुना है, थोड़ी एक अलग धारणा है, चेक कीजिए, कि हम बाहर का भोजन वगैरह नहीं खाते, वरना अभी तक हमारे अंदर वह ताकत नहीं है। कभी कभी हम घर में, क्योंकि ताकत ना होने के कारण वह भोजन हमें प्रभावित कर रहा है। वह भोजन खाने से ही हमारी बुद्धि चेंज होती जा रही है। इसका मतलब यह नहीं कि बाहर का भोजन खाना है, हम आपको बता रहे हैं। कभी कभी हम हमारे ब्राह्मण परिवार में भी है, ब्राह्मण परिवार में हम देखते हैं इनकी स्थिति कैसी है, तो उनके हाथ का हम भोजन नहीं लेते। दुख लगता है ना उनको, लगता है। अगर आप किसी को प्यार से दे रहे हैं और आपको कोई बोल रहा है कि हम नहीं खा सकते, बाहर का नहीं खाना, प्याज लहसुन नॉनवेज नहीं खाना, लेकिन हमारे परिवार का ही, तो दुख लगता है। उनको भी हमने दुख दिया हमारी धारणाओं के कारण। धारणा पक्की करनी है, धारणा नहीं छोड़नी है, फिर इसे कहते हैं। लेकिन धारणा भी इतनी अच्छी ऊंची बने कि उस प्रकृति को हम चेंज कर पाए। प्रकृति हमें नहीं चेंज कर सके। आपके अंदर आपकी बुद्धि की शक्ति इतनी हो, आत्मिक शक्ति इतनी हो कि उसको आप परिवर्तन करें। हमें इस ऊंचाई तक पहुंचना है कि प्रकृति का कोई तत्व हमें कंट्रोल ना कर सके। हम आज अभी तो सुनते हैं अभी तक कि साईं बाबा थे, संत होके गए थे, झूठा खाते थे, कुत्तों के साथ, जानवरों के साथ खाते थे, किसी के भी हाथ का खाते थे, लेकिन सदा के लिए खुश रहते थे, कभी उनकी स्थिति नीचे नहीं आई। भले वो भक्ति मार्ग है, उस समय उनके पास वो ताकत थी, आत्मा नहीं उतरी है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, इसलिए प्रकृति कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन उस स्थिति तक हम कब पहुंचेंगे? किसी के हाथ का नहीं खाना है, लेकिन कम से कम हमारी स्थिति ऐसी हो कि जो भोजन है वह इतना शक्तिशाली बने कि किसी को एक निवाला भी निकाल के दे दे तो उसकी बुद्धि परिवर्तन हो जाए, इतना शक्तिशाली बने हमारी स्थिति से। तो हमें प्रोग्रामिंग सीखना है। कैसे? जिस बात को आप अनकॉन्शियसली कर रहे हैं,
मतलब अब कुछ ना समझ के करते 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 जा रहे हैं, रिजल्ट वही मिलेगा जो ऊर्जा उसमें भरी हुई है। अभी हम क्या करेंगे, ऊर्जा को चेंज करेंगे। ऊर्जा को चेंज करने के लिए सिर्फ ज्ञान की किरणें ही काम करती है। ये प्रैक्टिकली अनुभव है, ज्ञान की किरणें। अगर यहां अशांति है, किसी घर में अशांति है, ऐसे बहुत से आत्माओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, उन्होंने अनुभव सुनाए। किसी एक माता के घर में दो आत्माएं थी उनके बेडरूम में, भटकने वाली, उनको दिखती थी। वो कहते थे कि रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी क्योंकि वो यहां वहां से भटकती थी। उनको इतना ही कहा, आपको कुछ संकल्प नहीं करना है कि वह आत्मा यहां से जगह छोड़े या न छोड़े, बस आपको उस रूम में बैठकर ज्ञान की गहरे नीले रंग की किरणों का सकाश देना है। देखना है कि आपके सारे कमरे में फैल रही है, बाबा से ज्ञान की गहरे नीले रंग की किरणें आ रही है आप में, आपसे सारे कमरे में, सारे घर में फैल रही। उन्होंने अनुभव बताया, 3 दिन में कमरा खाली हो गया। जो किराएदार थे वो चले गए, अकाउंट पूरा हो गया 3 दिन में सिर्फ। बहुत शक्ति है। एक माता का अनुभव, घर में बहुत दुख अशांति थी, परिवार में झगड़ा ही लगा रहता था, सुबह शाम किसी न किसी वजह से झगड़े ही होते थे। उनको भी यही सुनाया, अशांति हट गई, अभी घर सुखी हो गया। घर में खाना कितना है, कपड़े कितने अच्छे हैं, इससे ज्यादा शांति कितनी है, यह महत्वपूर्ण है। तो जहां कहां भी आपको अशांति नजर आए, आप यह अनुभव कर सकते हैं ज्ञान की गहरे नीले रंग की किरणों से अशांति अपने आप दूर होती है। और एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बच्चों को सुनाया था, बच्चों ने करके दिखाया। रास्ते से जाते समय उनको कहा कि अगर किसी का आप झगड़ा देखते हो तो उन दो आत्माओं को देखो, दो आत्माएं आपके सामने हैं जो झगड़ रहे हैं। बाबा से ज्ञान की गहरे नीले रंग की किरणें आप आत्मा में आ रही, आपसे दोनों में जा रही, ठीक है, आपसे दोनों में जा रही है, दोनों में से एक दूसरे में जा रही। देखिए क्या मैजिक होता है, चेक करके देखिए। अगर आपका किसी के साथ कर्म बंधन अभी भी कड़ा है, एनर्जी एक्सचेंज, इसे एनर्जी एक्सचेंज कहा जाता है, या तो भोग से कर्म बंधन चुप्त होगा या योग से। योग बना एनर्जी का एक्सचेंज है, एनर्जी का बदलाव एक दूसरे में। जैसे आपका बच्चा है, बच्चे ने किसी से कर्जा लिया हुआ है और कर्जा चुकता नहीं कर पा रहा है, आपको पता चला, आप क्या करेंगे, उसके हाथ में पैसे देंगे, वह उतने पैसे दे देगा, कर्जा चुकता हो जाएगा, रिलेशन ठीक हो जाएगा। यहां क्या कर रहे हैं आप, उन दो आत्माओं की ताकत नहीं, आपके परिवार के सदस्य हैं, उन दो आत्माओं की ताकत नहीं चुकता करने की, आपने उन दो आत्माओं को दिया बाबा से लेके, और दो आत्माओं को देके एक दूसरे को दिलवाया, अकाउंट खत्म। अब अनुभव करके देखें, अगर आपको आपके कर्म बंधन जल्दी से जल्दी चुकतु करने हैं तो ज्ञान की किरणों का सकाश इस्तेमाल कीजिए। ज्ञान की किरणों से ही बुद्धि क्लीन होती है, शक्ति से आपको शक्ति मिलेगी, लेकिन अगर बुद्धि क्लीन नहीं तो उस शक्ति का कहां इस्तेमाल करना है यह पता नहीं चलेगा, और शायद से गलत इस्तेमाल हो सकता है। गलत हाथ में अगर शक्ति चली जाए तो दुख मिलेगा, खुद को भी और दूसरों को भी। लेकिन शक्ति मिलने से पहले यह ठीक हो जाए बुद्धि, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जहां भी आपको दुख अशांति महसूस हो, कर्म बंधन महसूस हो, उन आत्माओं के बीच में ज्ञान की ऊर्जा का एक्सचेंज कीजिए, अपने आप ठीक हो जाता है। जो चीज आपके जीवन में नहीं आ पा रही है, जो चीज किसी के जीवन में पैसे नहीं आते, धन नहीं आता, दुखी रहते हैं, और बातें भी देखेंगे, लेकिन इसमें क्या ताकत है आपको बता रहे हैं, ज्ञान की ऊर्जा में जो चीज आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है उसको अगर आप ज्ञान की एनर्जी देते हैं और एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, वह चीज आपको उपलब्ध हो जाएगी, अगर बुद्धि शुद्ध है तो। हाँ, मतलब गलत चीज है, गलत काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नहीं मिलेगी।
और बल्कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप। हर किसी को हम कहते हैं सुबह उठते ही कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ज्ञान की सकाश अपने अंदर भरिए, ज्ञान की सकाश अपने अंदर भरिए। दिन कैसे जाता है चेक कीजिए, शक्ति भरने से अच्छा है ज्ञान भर लीजिए। ज्ञान है तो सब कुछ ठीक है, और अगर अज्ञान है तो कुछ भी ठीक नहीं है। ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान मिला सब कुछ मिला। तो ज्ञान की ऊर्जा अगर हमारे अंदर है तो सब ठीक हो जाएगा। जिस चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ोतरी करना चाहते हैं, विकास होना चाहते हैं आपका, उस चीज में आपकी और ज्ञान की ऊर्जा का एक्सचेंज कीजिए। एक भाई थे, उनकी दुकान ठीक से नहीं चल रही थी, छोटी छोटी बातें देखिए कैसे होता है। उनको इतना ही कहा दुकान में बैठकर जब तक कस्टमर नहीं तब तक बाबा से ज्ञान की सकाश आ रही है, आपसे सारी आपके आसपास के एरिया में फैल रही है, ज्ञान की गहरे नीले रंग की किरणें। उन्होंने कुछ दिन के बाद फोन करके बताया दुकान पहले से अच्छी चलने लगी। क्यों? उस दुकान की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं कि वहां अच्छे लोग आ सके। सबसे बड़ी बात, आपकी दुकान की एनर्जी चेंज होगी, अच्छी एनर्जी क्रिएट होगी। उससे भी पहले आपकी ही एनर्जी ठीक नहीं है कि आपके पास लोग आए। हमारी खुद की एनर्जी ठीक होगी तभी लोग हमसे जुड़ेंगे। गलत एनर्जी जहां है वहां लोग नहीं जुड़ सकते। अगर आपके पास एनर्जी अच्छी है लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। तो उनसे जुड़ने लगे, उस वास्तु से जुड़ने लगे, दुकान में आने लगे। दुकान में और क्यों बढ़ने लगे लोग? क्योंकि उनकी दुकान में जो भी चीजें हैं उनको भी ज्ञान की सकाश मिल रही, तो उनमें भी शक्ति भर रही, क्लीन हो रही, तो लोगों को अच्छा लग रहा है कि इस दुकान की वस्तु बहुत अच्छी है। अपने आप संकल्प मन में आ रहा है कि इनकी वस्तु खा रहे अंदर अच्छा लग रहा है, भल महंगी है लेकिन अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। तो आपने क्या किया, विश्व सेवा हो गई। क्योंकि आप एक आत्मा ने खुद को ठीक करने का प्रयास किया, उससे वस्तुएं ठीक हो गई, वह वस्तुएं जिन्होंने इस्तेमाल की उनकी मनस्थिति भी अपने आप ठीक हो गई। तो यही है स्वसेवा से विश्व सेवा। हम यहां बैठकर लंदन की सेवा भी कर सकते हैं, अमेरिका की भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन उस सकाश देने के लिए उतना समय बैठना पड़ेगा। लेकिन कम से कम यहां बैठकर यहां की आत्माओं की तो कर सकते हैं। जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी हमारी नौकरी है, ऑक्यूपेशन है, उसमें हम अच्छे से आत्मिक स्थिति में काम करके जो भी बना रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, जो भी सर्विस दे रहे हैं, उनके अंदर अपने आप ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हैं, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ। तो ये प्रोग्रामिंग समझ लीजिए। अगर गलत भाव से कोई आपको चीज दे रहा है मत लीजिए। अगर उसका मन नहीं है देने का मत लीजिए, वह चीज आपको सुख नहीं देगी। अगर आपके मेहनत की है और उसका मन नहीं हो रहा है, आप ले लीजिए, उसको शुद्ध बना दीजिए। आपके मेहनत की, आपने किसी के पास मजदूरी की, काम किया, उसके पैसे ले रहे हैं, लेकिन उसका देने का मन नहीं है। पैसे तो हमारे हैं मजदूरी के, लेना तो पड़ेगा ही, नहीं तो घर नहीं चलेगा। लेना है लेकिन उनको शुद्ध करना है। जो पैसे आपके घर में आते हैं, जो भी पैसे, उन पैसों को एक मिनट के लिए ज्ञान की सकाश देकर देखिए, उसमें से एक भी पैसा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। इम्पॉसिबल है, जा ही नहीं सकता। आपके घर में ड्रामानुसार किसी को कोई भी गलत आदत हो, आपने उसमें उन पैसों में प्रोग्रामिंग की है, ज्ञान की सकाश दीजिए एक मिनट, फिर प्रोग्रामिंग कीजिए, यह धन बाबा का है, बाबा की सेवा अर्थ है, तो इससे, इस धन से एक महीना, दो महीना, जो भी है आपका धन है, इस धन से एक महीने के लिए बाबा की सेवा ही होने वाली है। तो उस धन को जो भी आत्मा लेके जाएगी आपके घर की, उससे गलत काम कर ही नहीं सकती। आज समाज में कहते कि बच्चों को पैसे मत दो, गलत काम करते हैं। उनको पैसे नहीं देंगे तो कहीं और से लेंगे, कोई चोरी करके, कुछ गलत काम करके पैसे कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे और उनको जो करना है वो
करेंगे। लेकिन जो आप पैसे दे रहे हो वही पैसे अगर प्रोग्राम किए हुए हैं तो गलत काम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अब ट्राई करके देखिए, हर चीज की प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। अभी देखिए बारिश खत्म हो गई, अभी सबका धान तैयार हुआ है, सारे मतलब बारिश के बाद हम निकालते जो भी है बारिश में आता है। तो एक भाई ने पूछा था, उनको यही कहा, उनकी बहुत बड़ी खेती है, बहुत निकलता है, वो बेचते हैं, बहुत सारा निकलता है। उनको यही कहा कि जब बनेगा ये सारा निकलेगा तो पूरे धान को देखकर ज्ञान की सकाश देना और संकल्प करना, ये जो अन्न है जिस घर में भी जाएगा, जिस आत्मा के शरीर में भी जाएगा, जिसे भी मिलेगा, उसे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी। मतलब उन्होंने एक छोटा सा संकल्प किया और उनको कहा कि इसको लॉक कर दीजिए। जो चीज आपकी है उसको प्रोग्राम करने के बाद आप लॉक कर सकते हैं। एक बार आपने लॉक कर दिया उसके ऊपर किसी की प्रोग्रामिंग नहीं चल सकती। मतलब आपने संकल्प किया कि अभी जो मैंने प्रोग्रामिंग की है, ये जो वस्तु है, इसके ऊपर मैं जो आत्मा बाबा का बच्चा हूं, मेरे सिवाय किसी की भी प्रोग्रामिंग काम नहीं करेगी, फिनिश। कोई कितना भी उसके ऊपर कुछ भी वाइब्रेशंस डालने की कोशिश करे, एनर्जी नहीं बदल सकती, क्योंकि आपने आपकी चीज को लॉक कर दिया। तो उन्होंने किया, कहना यही है, अभी वो जो अन्न है जिस घर में भी जाएगा उनको शरीर का मतलब हेल्थ मिलेगी, वेल्थ भी। अपने वेल्थ कैसे मिलेगा आपको बताते हैं, हेल्थ उस अन्न से मिली, लेकिन उस अन्न में एनर्जी है कि वह अन्न जिस शरीर में जाएगा उसको वेल्थ में मिलेगी। उस वेल्थ मिलने का कारण है वह अन्न जिस शरीर में गया उस शरीर का खून प्योर हो जाएगा और उस खून से अपने आप बुद्धि प्योर होगी और उस आत्मा को अपने आप पता चलेगा कि कहां क्या काम करने के बाद मुझे धन मिलेगा, तो उसे वेल्थ भी मिला। ये सारी दुनिया प्रोग्रामिंग से चलती है। हम जो सतयुग में पुष्पक विमान उड़ाते हैं, ऑर्डर के बिना नहीं चलता, ऑर्डर के बिना नहीं चलता। लक्ष्मी नारायण का पुष्पक विमान कोई और नहीं उड़ा सकता, ये लॉ है। उनका पुष्पक विमान उनके ही संकल्प से उड़ेगा, आपका कोई और नहीं उड़ा सकता, कारण आपकी प्रोग्रामिंग वहां चल रही है। कहना यही है, सब कुछ प्रोग्रामिंग ही है। तो हमने भोजन को प्रोग्रामिंग किया, आपको जो रिजल्ट चाहिए, अगर किसी के शरीर में बीमारी है, कोई भी बीमारी, और उस भोजन के ऊपर ज्ञान की सकाश देने के बाद आप संकल्प करते हैं कि यह पवित्र भोजन, जो भी, फिर से याद रखिए, जो भी मिस नहीं करना, खुद के लिए नहीं, यह पवित्र भोजन जो भी आत्मा ग्रहण करेगी उसके शरीर में, मेरे नहीं, हाँ, उसके शरीर में जो भी इस प्रकार की बीमारी है वह ठीक हो जाएगी और संपूर्णता नष्ट हो जाएगी। अपने उस भोजन को काम दे दिया। देखिए अनकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग कैसे होती है। अगर आपको बुखार आ गया, बुखार आ गया, बदन दर्द हो रहा है, आपके पास दो दवाइयां हैं, एक है कॉम्बिफ्लेन एग्जाम्पल, एक है क्रोसिन, दो है। लेकिन जो आपको अच्छा रिजल्ट देती है, किसी ने दो लाके दी, आपको क्या बोलेंगे, नहीं ये अच्छी है, ये मैं ले लेती हूँ। मतलब आपने ऑलरेडी मन में प्रोग्रामिंग की है, क्रोसिन खाने के बाद शरीर ठीक हो जाता है। मतलब आपने न चाहते हुए भी गोली खाने से पहले ही संकल्प किया क्रोसिन खाने के बाद शरीर ठीक होगा, ये हुआ न चाहते हुए, अनकॉन्शियसली। इसलिए हमें जो पसंद नहीं चीज है वह जब हमारे सामने आती है तो अनकॉन्शियसली हम प्रोग्राम करते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे ही, हमने प्रोग्राम कर दिया। अभी वह हमसे ऐसे ही बिहेव करेंगे, वह चीज हमें वही रिजल्ट देगी। अगर आपको लग रहा है ये ऐसे हैं, एक मिनट रुक जाए, 10 सेकंड रुक जाए, उन्हें ज्ञान का सकाश दीजिए। सबसे पहले अपने आप को सकाश दीजिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग खुद की गलत हो रही है। उन्हें सकाश दीजिए और संकल्प कीजिए, ये बहुत अच्छे हैं, ये चीज बहुत अच्छी है। फिर उस चीज को आप खा के देखिए, उस व्यक्ति से व्यवहार करके देखिए, आप अनुभव करेंगे उनका और आपका रिलेशन बदल जाएगा। सारी चीजों में प्रोग्रामिंग है। जब नहाने जा रहे हैं,
पाने के ऊपर प्रोग्रामिंग कीजिए, ज्ञान की किरणों का सकाश दीजिए, प्रोग्रामिंग कीजिए। एक बच्चे को बताया था, लास्ट टाइम बताया था एग्जाम्पल, फिर भी रिपीट कर रहे हैं, याद होगा शायद से आपको। बच्चे की एग्जाम थी, हिंदी का पेपर था, पढ़ाई नहीं हो पाई, उसने पाने के ऊपर प्रोग्राम किया और उसे विदाउट पढ़ाई 100 out of 72 मिले। प्रोग्रामिंग किया, एनर्जी आपके साथ चलती है। तो पानी के ऊपर प्रोग्रामिंग कीजिए। इस पानी से नहाने के बाद सकाश तो दे दी एक मिनट, फिर संकल्प कीजिए 3 बार कि इस पवित्र जल से नहाने के बाद मैं आत्मा सारे दिन भर में मेरे मन बुद्धि को पवित्रता का अनुभव कराऊंगी। नहाया कौन? शरीर। लेकिन अनुभूति कौन कर रहा है? मन बुद्धि। जो चाहिए इस पवित्र जल से नहाने के बाद इस शरीर की यह बीमारी या इस पवित्र जल से जो भी आत्मा नहाएगी उसके शरीर में इस प्रकार की जो भी बीमारी होगी वो नष्ट हो जाएगी। संकल्प, ये जो संकल्प है बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बार भी आपको बोला था, हम योग तो करते हैं लेकिन योग के बाद क्या संकल्प लेना है वह नहीं करते। योग करते अमृत वेला उठ के सोते या फिर नहाने चले जाते, जो भी है क्लास से उठकर चले जाते हैं, घर चले जाते। लेकिन जब आपका योग समाप्त हो जाता है, ओम शांति बोलते हैं, तो आपने क्या किया? शक्ति को इकट्ठा किया। अभी आपको डिसाइड करना है यह शक्ति कहां लगानी है। उसके बाद संकल्प कीजिए कि अभी जो भी बाबा ने मुझे आत्मा से योग कराया है, जितनी भी शक्तियां और गुण धारण कराए हैं, जो भी पवित्र ऊर्जा मेरे अंदर भरी है, उससे मुझे आत्मा के दैवी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो आपने उस शक्ति को कार्य में लगा दिया तुरंत। तो आपने सीधा संकल्प कर दिया, कार्य में लगा दिया। लौकिक में आपका जो हो सो हो, ड्रामा, लेकिन आपके दैवी संस्कार नहीं तो वह शक्ति कहां चली जाती है? वेस्ट हो जाती है। फिर अपने संकल्प नहीं किया योग के बाद, ऐसे ही बाहर निकले और थोड़ा लेट हो गया और आपने सोचा अरे ऑटो आती तो बहुत अच्छा हो जाता, बहुत समय हो गया, तो आपने उसमें से थोड़ी शक्ति ऑटो को लगा दी। जहां कहां भी ऑटो वाला होगा उसकी बुद्धि को शक्ति पकड़ लेगी, उसको लेके आएगी। घर चले गए, फिर घर में सोचेंगे कि ऐसे ही होता तो अच्छा होता, शक्ति लगा दी। किसी और के बारे में सोचेंगे, पति ठीक होते, पत्नी ठीक होती, बच्चे ठीक होते तो और अच्छा होता, शक्ति लगा दी। लगाना नहीं है, ऐसे नहीं है, पहले अपने आप को ठीक करना है। ये हुआ कमाया और खाया, बैलेंस जीरो। कमाया और डायरेक्ट बैंक में रख दिया, एफडी किया, इंटरेस्ट तो आ रहा है लेकिन जो एफडी किया हुआ है वह भी बचा हुआ है, वह खत्म नहीं हो रहा है। मतलब जो भी हमने योग किया, मुरली पढ़ी सुनी, संकल्प किया, बाबा आपने जो मुरली सुनाई पढ़ाई हमसे, उससे जो भी एनर्जी पैदा हुई या क्रिएट हुई वो सारी आपके पास, और उस एनर्जी से आपको मेरे जो भी दैवी संस्कार इमर्ज कराने हैं, जो भी सेवा करानी है, विश्व सेवा आप करा दीजिए, अपने आप ठीक। तो कहना यही है प्रोग्रामिंग हर बात के लिए। आपके जो कपड़े हैं नहाने के बाद हम पहनते हैं, पहनने से पहले संकल्प कीजिए, जिस पानी में वो कपड़े धुले हैं उसमें जो एनर्जी है, उस एनर्जी को उन कपड़ों ने अपने अंदर समाया हुआ है, समझ लीजिए इन बातों को। तो उन कपड़ों में वही एनर्जी होगी जिन्होंने उसको धोया है, जिस पानी से धोया है और जिस साबुन से धोया है, वह साबुन जिस कंपनी में बना है, जिन आत्माओं ने बनाया है, सबसे सूक्ष्म बात है, समझ लीजिए। तो कपड़े पहनने से पहले एक मिनट सकाश दीजिए, ज्ञान की किरणों का अशुद्धि खत्म हो गई। संकल्प कीजिए यह कपड़े दिन भर जिस आत्मा के शरीर पर रहेंगे उन्हें जो चाहिए वो, एक अलग शांति महसूस होगी सारे दिन के लिए जब तक कपड़े हैं, एक आनंद महसूस होगा,
या फिर जो सुख में रहेंगे, ज्ञान विचार सागर मंथन में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, जो प्रोग्रामिंग आपको चाहिए कर सकते हैं। बच्चे क्लास में जब होते थे उनको योग कराते थे, पेन रखते थे सामने, लिखने का पेन, उसको सकाश देते थे 5 मिनट के लिए और संकल्प करते थे इस पेन से जो भी आत्मा पेपर लिखेगी उसका पेपर बहुत इजी जाएगा। अभी पढ़ाई कितनी की है उसको पता, लेकिन एनर्जी किसमें गैदर की? उस पेन में। तो पेन जब तक हाथ में है तब तक चल रहा है। होता क्या है, अब किसी भी पार्टिकल को प्रोग्रामिंग कीजिए, वह पार्टिकल दुनिया की सारी पॉजिटिव एनर्जी को खींच रहा है आपकी ओर, अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो उस पेन में पॉजिटिव एनर्जी आ ही रही है और पेन को अपने संकल्प दिया। प्रकृति आपकी सेवा के लिए है। बाबा कहते हैं कि आपकी गुण और शक्तियां आपके पास है, प्रकृति आपकी सेवा के लिए हाजिर है, लेकिन ऑर्डर करना नहीं आता, विधि पता नहीं थी। तो अब पेन से उन्होंने, बहुतों ने अनुभव सुनाया कि पेपर इजी गया, कैसे न कैसे करके बुद्धि से याद आया, पेपर बहुत इजी गया। तो क्या करना है? प्रोग्रामिंग हर चीज के ऊपर। नाश्ता खा रहे हैं, प्रोग्रामिंग, जो भी है भोजन, घर से बाहर निकलने से पहले प्रोग्रामिंग कीजिए, मैं आत्मा, मैं आत्मा। जब मैं करते तब आत्मा लाइए हमेशा, जब कोई चारा नहीं, जो भी कह सके यूनिवर्सल संकल्प, तब मैं करना पड़ता है, तो उस समय मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा बाबा का बच्चा, जहां भी लौकिक कार्य के लिए जा रही हूं या जा रहा हूं, वहां बाबा मुझसे विश्व सेवा ही कराएगा। मतलब आपने आपके कार्य के बारे में संकल्प नहीं किया कि इस कार्य में, नौकरी में सफलता मिले, बिजनेस में सफलता मिले, ये नहीं किया संकल्प। आपने संकल्प किया बाबा मुझे जहां भी लेके जा रहा है विश्व सेवा के लिए लेके जा रहा है, तो अपने आप सारे कार्य सेट हो जाते हैं। सारे लोग आपसे कैसे बिहेव करेंगे चेक कीजिए, कैसे व्यवहार करेंगे, अपने आप उनकी बुद्धि चेंज हो जाती है। जो संकल्प, उसका साइंस बताते हैं, जो संकल्प आप करते हैं उस संकल्प की ऊर्जा यूनिवर्स में जाती है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो जो आत्माएं निमित्त बने हैं उनके अंदर यूनिवर्स से ऊर्जा जाती है और वह आत्माएं आपके आसपास एकत्रित होते हैं और आपका कार्य करके दे देते हैं। तो इस प्रकार हर संकल्प पूरा होता है। तो अभी हमें थोड़ा एक 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 15 से 20 मिनट आपके लिए, नीचे बैठकर थोड़े से थके होंगे, फिर 15-20 मिनट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओम शांति।